मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग का है, कैलकुलेशन ऑफ YTM के ऊपर हम बात करें, इल टू मैच्योरिटी। सबसे पहला चीज है डेप्ट। डेप्ट क्या होता है? डेप्ट एक प्रकार का लोन होता है, ठीक है, जहां पे एक आदमी दूसरे आदमी को लोन देता है, ठीक है। डेप्ट आप सीधा भाषा में समझिए लोन, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई भी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी। जैसे बैंक कैसे आपको बैंक आपको लोन देती है तो उसमें क्या रहता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आप पे करते हैं। बैंक से प्रिंसिपल देती है, आप उसका मूलधन देती है, बैंक मूलधन के साथ ब्याज भी आपको पे करना होता है, यानी डेप्ट एक प्रकार का लोन होता है। डेप्ट जो है, डेप्ट बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज डेप्ट लेती हैं, ठीक है। ये डेप्ट का जो डेप्ट हम और आप भी ले सकते हैं, पर डेप्ट जो शब्द आता है ना वो बहुत बड़े बड़े कंपनीज के लिए आती है। तो डेप्ट में वो पैसा कैसे उठाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, यानी बैंक बोरोइंग हो गया, फिक्स डिपोजिट के अगेंस्ट लेते हैं, बॉन्ड्स के बिहाफ पे लेते हैं और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के बिहाफ पे लेते हैं। दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या आ गए, कमर्शियल पेपर आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आ गया। अभी कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या, यह अलग से हम लोग पढ़ेंगे। डेप्ट कैपिटल जो होता है, बेसिकली डेप्ट कैपिटल में मुख्यता या प्रमुख रूप से आपको दो चीज आती है, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। हमेशा देखिए डेप्ट कैपिटल में बॉन्ड्स और डिवेंचर्स आती है, ठीक है। और बॉन्ड्स और डिवेंचर्स को कैसे निकल लेते हैं हम लोग, प्राइमरी मार्केट से लेते हैं। जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट दो भाग में बटा हुआ है, एक भाग प्राइमरी मार्केट होता है और एक भाग सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट में हम और आप जैसे लोग नहीं जाके निवेश कर सकते या इन्वेस्ट कर सकते, उसके लिए अलग प्लेयर होता है। जबकि सेकेंडरी मार्केट में रिटेल मतलब रिटेल बायर है, यानी हम और आप जैसे लोग खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं शेयर्स, जिसका अपन हम जानते हैं शेयर्स, ठीक है। बॉन्ड यहाँ पे इश्यू होता है, सिक्योर्ड भी और अनसिक्योर्ड भी। सिक्योर्ड का मतलब है कि बैंक अगर बॉन्ड, जो भी कंपनी बॉन्ड इशू की है, अगर वो कंपनी फेल कर जाती है पैसा को रिपेमेंट करने में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसकी वो अपने उसके बदले अपना प्रॉपर्टी अटैच कर देती है, चाहे प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर देती है, लिंक कर देती है, ठीक है। तो सिक्योर हो गया। अनसिक्योर का मतलब है कि जो कुछ भी नहीं है, अब आपका रिस्क है, अगर पैसा लगाया चल गया डूब गया तो डूब गया, ठीक है, जबकि सिक्योर्ड में पैसा आपका डूबेगा नहीं, ठीक है। ये क्लियर हो गई बात है। नॉर्मली बॉन्ड्स जो इश्यूज होते हैं, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स दोनों के दोनों इश्यू होते हैं ज्यादातर सिक्योर्ड केस में, मतलब सिक्योर्ड रहते हैं वो। इंटरेस्ट पेड जो होता है बॉन्ड में, वो बेसिकली सेमी एनुअली होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट जो पे किया जाता है बॉन्ड के ऊपर वो सेमी एनुअली रहता है, कहीं कहीं एनुअली भी रहता है, ठीक है। और ये फिक्स्ड इंटरवल है, जैसे इंटरेस्ट जो भी पेड होगा आपको बॉन्ड के ऊपर हमेशा एक फिक्स्ड इंटरवल पे होता रहता है, ठीक है, इसलिए हम उसको सेमी एनुअल एनुअल बोलते हैं। बॉन्ड यहाँ पे एक तरीके का प्रोवाइड करेगा आपको एक्सटर्नल फंड्स। बॉन्ड क्या प्रोवाइड करता है, एक्सटर्नल फंड्स प्रोवाइड करता है ताकि आप फाइनेंस कर सके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है। तो बॉन्ड यहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है, बॉन्ड यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल फंड्स आपको देता है बॉन्ड, ताकि उसकी मदद से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। एक्सटर्नल फंड्स का मतलब क्या हो गया कि आप पब्लिक से जाके पैसा ले लेती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, ये सब क्या है, यानी सीडी या सीपी क्या है, ये सारे के सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जबकि बॉन्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं, यानी प्राइमरी मार्केट में नहीं काम आता, ठीक है। मनी मार्केट बेसिकली हम प्राइमरी मार्केट को बोलते हैं। जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी होता है कि बॉन्ड और कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि बॉन्ड की जो ड्यूरेशन है या जो मैच्योरिटी पीरियड है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है, यानी लेंथ इंस्ट्रूमेंट का लंबा होता है। फिर जो है ऑनरशिप जो होता है बॉन्ड का, वो बिल्कुल आप ट्रांसफर कर सकते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी के साथ ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफर का मतलब है कोई आदमी बेच रहा है तो कोई दूसरा आदमी खरीद रहा है, पर कहां करेगा, ये सेकेंडरी मार्केट में होता है जहां पे शेयर्स वगैरह लिस्टेड होती है कंपनी की। फिर जो टर्म्स, क्या क्या टर्म्स एसोसिएट होती है बॉन्ड्स का, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे फेस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा भाषा पार वैल्यू। ये वो वैल्यू होता है जो बॉन्ड के ऊपर लिखा रहता है, और जब वो सर्टन टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो वो पैसा आपको मिल जाएगा उतना वैल्यू। कूपन रेट मतलब हो गया स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर रहता है। मैच्योरिटी का मतलब है कि एक सर्टन टाइम पीरियड तक वो बॉन्ड रहेगा और उसके बाद वो रिपे कर दिया जाएगा। रिडेम्पशन वैल्यू की जब बॉन्ड आप देंगे या जब बॉन्ड आप जमा करेंगे या बॉन्ड बेचेंगे तो आपको कितना वैल्यू बॉन्ड का मिलेगा एक बॉन्ड होल्डर को, ठीक है। मार्केट वैल्यू होगी कि स्टॉक एक्सचेंज पे करंटली किस प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, एक हो गया जीरो कूपन बॉन्ड हो गया,
बहुत सारे बॉन्ड्स, ये सब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में क्या हो गया कि यहाँ पे आपको रेगुलर इंटरेस्ट, मतलब टाइप्स ऑफ बॉन्ड में सबसे बड़ा खास बात क्या है कि यहाँ पे किसी भी तरह का आपको रेगुलर इंटरेस्ट पे नहीं करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में क्या हो गया कि जो जहां से भी बॉन्ड लिया हो तो वहां पे कोई भी आपको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता है, जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट होता है सब रोल अप होने लगता है और आपको फाइनली मैच्योरिटी के समय में आपको सारा पैसा एट ए टाइम मिलेगा विथ इंटरेस्ट के साथ। यानी यहाँ पे वादा रहता है जो फुल प्रिंसिपल अमाउंट रिडीम हो जाएगा आपका। फिर है फिक्स्ड रेट बॉन्ड। फिक्स्ड रेट बॉन्ड का मतलब हो गया कि यहाँ पे बॉन्ड जो है, जो बॉन्ड का लाइफ टाइम होता है, जितना समय तक बॉन्ड रहेगा वो पूरी जिंदगी आपको एक कॉन्स्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैसा देते रहेगा, ठीक है। सारा पॉइंट सब प्लीज कॉपी में अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। आप यहाँ पे जेबी का पूरा वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं। जेबी का जो इसमें आपको रहेगा वीडियो लेक्चर कोर्स रहेगा, केस स्टडी नंबर के लिए का वीडियो रहेगा, 2000 का क्वेश्चन बैंक रहेगा, सुपर नोट्स रहेगा, क्विक रिवीजन नोट्स रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा। यहाँ पे दिया भी दो तरह के कोर्सेस हैं, एक है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जिसको पीपीटी कोर्स बोलते हैं, दूसरा फेस टू फेस वीडियो कोर्स है, जो जस्ट अभी आपने वीडियो देखा वो फेस टू फेस कोर्स है। तो पीपीटी वीडियो कोर्स में जेआईबी का प्रिंसिपल्स करें या लीगल करें इसका दाम है 600 रुपये, जेआईबी का अकाउंटिंग करेंगे दाम 800 रुपये, जेआईबी का कॉम्बो पे करेंगे दाम 1500 रुपये, फेस टू फेस कोर्स करेंगे जेआईबी प्रिंसिपल्स है लीगल का दाम है 1200 रुपये, जेआईबी का अकाउंटिंग का दाम 1500 रुपये, जेआईबी का कॉम्बो पे करेंगे दाम 3000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4 9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो गया www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो गया seat@gmail.com।